आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं आपके साथ फिर देखिए मेरे ठीक सामने आप देख सकते हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदा का साथ। यहाँ पे राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं उनका कांग्रेस का चुनाव होने वाले हैं। तमाम जो कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय है वहाँ पे मतदान हो रहा है, जो कांग्रेस के लोग हैं वो वोट कर रहे हैं। पर यहाँ पर देखिए कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वही धरना पर बैठे हुए हैं। किन मुद्दों को लेकर धरना पर बैठे हैं इनके राष्ट्रीय पद का जो उम्मीदवार हैं, वो तमाम जो लोग हैं मैदान में हैं उनके लिए वोट पड़ रहा है। इनसे हम ठीक जुड़ेंगे और जानेंगे किस चीज़ को लेकर आप लोग बैठे हैं। देखिए वोटर लिस्ट पब्लिश हुआ AICC द्वारा बिहार प्रदेश के जो डेलीगेट्स हैं उनका, उस लिस्ट में कई ऐसे साथी हैं जिनका नाम है, लेकिन जिस आधार पे उसमें फ़ोन नंबर भी है, ये लिस्ट है। अब इसमें फ़ोन नंबर है बजाबते कैसे क्या है सो देखिए, BR 2022 और उसके बाद रोल नंबर है वोटर में जो इनरोलमेंट नंबर होता है सो, इस आधार पे दोनों कैंडिडेट हम लोगों से वोट मांग रहे हैं। आज जो चुनाव हो रहा है एक ये दूसरी लिस्ट है जिसमें न कोड नंबर है, सीरियल नंबर वो भी सीरियल नंबर नहीं है जो चाहिए वोटर इनरोलमेंट नंबर का, वो भी नहीं है, ये दूसरा सीरियल नंबर ऐसी जो टाइप कर दिया गया, और न फ़ोन नंबर है। और इसमें जो है हम लोगों के जगह पे कोई और का है, ये फर्जी लिस्ट है। तो हम लोग पहले शिकायत किया, सारे जहां प्रोसेस है प्रदेश अध्यक्ष को शिकायत दिया, प्रभारी को शिकायत दिया, राष्ट्रीय चेयरमैन है मधुसूदन मिश्रा जी को, मिस्त्री जी को, उनको शिकायत भेजा मेल वगैरह के माध्यम से। जब इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज तक जब दोनों कैंडिडेट से हम लोगों से वोट मांगा जा रहा है और यहाँ आए वोट देने नहीं दिया जा रहा है, तो हम लोगों ने निवेदन शुरू किया चुनाव कांग्रेस चुनाव प्राधिकरण के राष्ट्रीय चेयरमैन हैं माननीय मधुसूदन मिस्त्री जी, उनसे हम लोग मांग कर रहे हैं कि कथित रूप से जो फर्जी लिस्ट है डेलीगेट्स का उसके आधार पे नहीं, बल्कि आपके द्वारा सबसे पहले जो पब्लिश किया गया है डेलीगेट्स का सूची उसके आधार पे चुनाव करवाया जाए, यही मांग है हम लोग। ये फर्जी लिस्ट कहाँ से जारी हुआ? अभी तो मिला हमको एक कैंडिडेट के यहाँ, कैंडिडेट के यहाँ ही लास्ट में दिया गया कल फर्जी लिस्ट कि आप इसी पर चुनाव करवाइए, वोट आपके इलेक्शन एजेंट जाएँ तो इसी पर लें, नाम केवल रहे जिसमें नंबर न रहे। तो देखिए ये कहना है इनका, प्रदेश द्वारा बहुत पहले से दिया जा रहा है ये फर्जी लिस्ट, चूंकि मैंने शिकायत किया तो शिकायत को मान, उस पर शिकायत पर एक ये हुआ जो नंबरिंग था उस पूरे नंबरिंग का ही टेम्परिंग कर दिया गलत। अच्छा, ये ओरिजिनल लिस्ट में कितने लोगों का नाम है और फर्जी लिस्ट में कितने लोगों का? नहीं, ओरिजिनल लिस्ट में 421 लोगों का नाम है जिनका फ़ोन नंबर भी है, और फर्जी लिस्ट में 597 का है जिसमें किसी पर फ़ोन नंबर नहीं है, सिंगल पर फ़ोन नंबर नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो लोग हैं कांग्रेस के लोग हैं, इन तमाम जो लोग हैं यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका कहना है कि फर्जी लिस्ट के द्वारा मतदान किया जा रहा है जिस पे ना तो फ़ोन नंबर है, नहीं जो ID नंबर होना चाहिए वो है। देखिए तमाम जो लोग हैं वो धरना पर बैठे हुए हैं और कर रहे हैं जिसकी जांच हो और जांच होकर सही चीज़ निकल के सामने आए। हम लोग कई लोगों को जगह पे गुहार किया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार इन शॉर्ट के साथ। बिहार इन शॉर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।